हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज फाइन, वेलकम टू डोंट ट्राई डॉक्टर वंस अगेन। तो थोड़ी थोड़ा डिले हो गया, आप शॉर्ट वीडियोज काफ़ी आ रहे हैं। तो आज एक क्वेश्चन ड्रोन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेरे पास पूछा जा रहा था, ईमेल आ रही थी कि काफ़ी लोग हैं ड्रोन का बिजनेस करने के लिए, इंक्लूडिंग मी। तो कैसे करना है, रेगुलेशंस में लीगल तरह से DGA का स्टेटस है, अगर अपना मैन्युफैक्चर करना है तो वो क्या रूल है। तो इसमें एक ओवरऑल आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या तामझाम आपको करने हैं, ठीक है, टू स्टार्ट ड्रोन बिजनेस अगर मैन्युफैक्चर करना है तो। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पर क्लियरली कि मैन्युफैक्चर का मतलब है कि असेंबली भी उसी में आ जाती है, क्योंकि आप खुद वो पार्ट्स नहीं बनाएंगे मोस्टली। बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें मोबाइल होते हैं तो मोबाइल के पार्ट्स बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, यहाँ आप असेंबल करते हैं एंड देन आपके ब्रांड के अंडर से वो आपका ब्रांड। उसी तरह से ड्रोन में भी ऐसा होगा ही कि आप पार्ट्स असेंबल करेंगे तो उसको मैन्युफैक्चर कह दिया जाता है। एंड सेकंड है कि इंपोर्ट करना, मतलब रेडीमेड पीसेस जो ड्रोन है जैसे कि DJI के, वो आपने इंपोर्ट करने हैं और फिर आपको सेल करने हैं। तो दोनों का मैं ओवरऑल आपको बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल इस एक वीडियो में नहीं जा सकता क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बट मेन पॉइंट्स आपको पता लग जाएंगे, आइडिया लग जाएगा कैसे करना है, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, इस वीडियो के अंदर आप इस वीडियो से रिलेटेड भी कमेंट्स पूछ सकते हैं और दूसरा कोई भी ड्रोन से रिलेटेड कमेंट आप पूछेंगे वो सारे कमेंट्स मैं अपने Q&A नेक्स्ट करूंगा ड्रोन्स के ऊपर। तो जितने भी कमेंट्स इस वीडियो पर आएंगे रिगार्डिंग ड्रोन, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट Q&A में वो लिए जाएंगे, सारे लिए जाएंगे जितने भी आएंगे, ठीक है। तो अगर आप नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चाहे आपने ड्रोन इंपोर्ट करना है, चाहे आपने ड्रोन मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चर का मतलब वही है असेंबली करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल लेना है। सबसे पहले नंबर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ETA, इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल, और ये कौन देगा, WPC विंग देगा, एक डिपार्टमेंट है WPC डिपार्टमेंट, वो आपको ये देगा। क्या इसमें होगा टेस्ट, बेसिकली वो आपको बताएगा कि ड्रोन जो है कि जो हमने फ्रीक्वेंसी बैंड सरकार ने और DGCA ने तय किया है इंडिया के लिए कि आपका ड्रोन उस फ्रीक्वेंसी में काम करता है नहीं, और वो इंश्योर करेंगे कि आपका जो ड्रोन है जो नई रेगुलेशंस हैं उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड आता है कि नो परमिशन नो टेक ऑफ वाला कॉन्सेप्ट, कि आपके ड्रोन में वो चीज़ जो सबसे पहले चाहते हैं कि अगर DGCA अपना परमिशन ना दे तो वो टेक ऑफ ही ना करे, तो वो NP-NT कंपैटिबल है कि नहीं, उस फ्रीक्वेंसी बैंड में उड़ता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें वो टेस्ट करेंगे, जो भी आपने एक सैंपल, सपोज आपने सैंपल कर लिया या आपने कोई ड्रोन इंपोर्ट किया करने वाले हैं, वो चीज़ आपने, अब जब आप इम्पोर्ट करेंगे ड्रोन, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आता है कि मैं DJI के इंपोर्ट करूंगा, क्योंकि DJI के ड्रोन सबसे ज़्यादा बिकते हैं वर्ल्ड ओवर और इंडिया में भी बहुत डिमांड है, आपके पास भी DJI होगा, मेरे पास भी DJI है, नो डाउट सबसे बढ़िया ड्रोन है, ठीक है। अब उसके ऊपर ETA कौन देगा, इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल, अब वो उसके बिहाफ पे, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, आप इम्पोर्ट करने वाले हैं, ठीक है, तब बेसिकली यहाँ पर रोल आता है DGI की तरफ से किसी बंदे का, वो बेसिकली ETA अप्रूवल, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर कर रही है ना कंपनी, एक तो आपने खुद असेंबल किया उसमें पार्ट्स हैं, उसमें आपने अगर वो पार्ट लगाया NP-NT तब ठीक है, वो चेक होगा NP-NT कंपेटेबल हो गया, तो ये तो हो गया असेंबली का कि आपने एक ऐसा ड्रोन असेंबल कर दिया जो कि रेगुलेशन के हिसाब से है और आपने ये असेंबल किया है, मतलब आपकी कंपनी ने असेंबल किया है, तो आपको वो ETA अप्रूवल मिल जाएगा। अब ये केस अगर पूरे ड्रोन को इम्पोर्ट करने का है, उसकी पूरी कहानी अलग से, इंपोर्ट कैसे करना है, अभी हम यहाँ पर सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं कि एक अगर आप DJI का ड्रोन है तो DJI का आप ETA नहीं ले सकते हैं, वो DJI का ही कोई बंदा जो कि उसके प्रोडक्शन में है या जो भी है उनको लेना पड़ेगा, और नंबर दो उनको उन स्टैंडर्ड से, मतलब उस स्टैंडर्ड का बनाना पड़ेगा जो इंडियन रेगुलेशन मांगते हैं। अब काफ़ी लोगों का यह सवाल है कि DJI क्या NP-NT कंपेटिबल बना सकता है ड्रोन, तो आंसर है येस, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको बातचीत करनी है, थोड़ा इंटरेक्शन करना है, फ्यूजन होना है, अपडेट डालनी है, थोड़ा हार्डवेयर का कोई चीज़ है तो वो, तो DJI इज़ ए वेरी वेल नोन कंपनी, उसको कोई इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ना तो इंडियन गवर्नमेंट बिजी है, आपको पता है क्या सिचुएशन है एट प्रेजेंट, तो अभी तो मैं सजेस्ट करूँगा इन
तामझाम में मत ही बढ़े, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट वैसे ही कोविड की वजह से बहुत प्रेशर में है और काफ़ी आप यू ऑल नो, ठीक है। तो वो तामझाम है, डीजीए का भी भूल जाएं, ज़रूर आगे चल के मे भी कुछ बातचीत बनेगी। फिलहाल अभी आप डीजीआई का ना तो कोई बंदा आएगा वहाँ से और पीटीएफ मिलेगा नहीं, तो यहीं पर कहानी ख़त्म डीजीआई की। तो अब जहाँ तक रहा दूसरा जो आपने सैम्पल करना है या कोई इंडियन आपके पास ड्रोन है, तो उसको आपको ईटीए अप्रूवल, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लंबा चौड़ा आपको भाषण ईटीए के ऊपर दिया है। पहला डॉक्यूमेंट ईटीए तैयार आपके पास होना चाहिए, वो आपको ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़, उसमें आपको वेट लिखना है, एक फॉर्मेट मिलता है ईटीए का जब अप्लाई करेंगे कि मुझे अप्रूवल दें, तो एक फॉर्म मिलेगा आपको। फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा किस कैटेगरी का आपका ड्रोन है, कितना केजी उसका वेट है, माइक्रो कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में आता है, उसका सारा जो जो है तामझाम। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मेन पॉइंट है एंट्री एंट्री कमेटेबल है या नहीं, ठीक है, वो ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको एक चीज़ आपको देनी पड़ती है इसके साथ एडिशनल, मैन्युफैक्चरर शुड डेवलप फॉलोइंग मैनू, कुछ मैनुअल्स आपको अपने ड्रोन के लिए, चाहे आपने असेंबल किया चाहे आपने इम्पोर्ट किया, उसके लिए आपको एक मैनुअल उसके साथ देना पड़ेगा। और जितने भी आप बॉक्सेस बनाएंगे उसमें वो सब चीज़ें होनी चाहिए कि कैसे उसको ऑपरेट करना है, ठीक है, कैसे उसको मेंटेन करना है, किस शेड्यूल पे। जैसे हमारे पास हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ी में एक पूरी पीछे बुक आती है ना, पूरा मैनुअल होता है उसके अंदर, हर एक पार्ट का बताया होता है, कब सर्विस बुक पीछे सर्विस का लिखा होता है कि किस टाइम पे आपने सर्विस करानी है, क्या क्या उसमें चेक होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा आपको एक मैनुअल अगर आप मैन्युफैक्चर असेंबल कर रहे हैं या आपने पीसीज इंपोर्ट करने हैं, तो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो ज़रूरी है प्रॉपर सरकारी उसकी अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है, ये सब आपको देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ करने के बाद आपने ईटीए ले लिया, इक्विपमेंट अप्रूवल ले लिया, आपने फॉर्म्स वगैरह जो भी उन्होंने दिए वो आपने भर दिए, जो जो मैनुअल्स थे वो आपने सबमिट कर दिए, फिर आपकी टेस्टिंग भी ड्रोन की हो गई। तो ये सब कुछ करने के बाद आपका जो ड्रोन है वो बेसिकली अब आपको सर्टिफिकेशन करवानी है लिस्टिंग के लिए लास्ट में, जो कि एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा लास्ट में, इसमें लिखा जाएगा कि दिस इज़ द सर्टिफाइड दैट ये जो मॉडल है और जो बेसिकली बंदा उसको बेसिकली जो मालिक है जिसने असेंबल करवाया या जिसकी कंपनी है, तो कि इनका जो ड्रोन है ये जो हैं इनके मालिक हैं और ये सारे टेस्ट हमने कर लिए हैं, सारे मैनुअल्स हमने देख लिए हैं एंड इट इज़ ओके एंड नाउ इट कैन बी लिस्टेड ऑन DGCA साइट। तो वो फिर उसके बाद फाइनल स्टेप है, आपका लिस्टिंग होना चाहिए वहाँ पर। फिर जो इंडियन कस्टमर है जैसे आम पब्लिक, वो DGCA की साइट पे जाके फिर वो चीज़ें फॉलो करके जो अलग से तामझाम है कि हाउ टू बाय ड्रोन इन इंडिया, तो अगर आप इस पे अब जाते हैं फुल लीगली कैसे करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो नेक्स्ट वीडियो वो बना जाएगा। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम चलेगा। अब बेसिकली यहाँ पर अब सवाल उठता है कि DGCA का ड्रोन कैसे लिया जाए, तो वो मैं काफ़ी बार अपने शॉर्ट वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि फ़िलहाल अभी लीगल तरीका तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ छोड़ा ही नहीं ना उन्होंने, ये क्या चाहते हैं NPNT कंपैटिबिलिटी और सारा कुछ DGCA अभी तैयारी, तो वो अभी टाइम लगेगा। फिलहाल कैसे आ रहा है कि कोई रिश्तेदार बाहर है वैसे ला रहे हैं, और ऑनलाइन मत ऑर्डर करें मैं हमेशा बोलता हूँ, और कोई ला भी रहा है तो जैसे मैं बताता हूँ कि डिसमेंटल करके लाएँ, और जब भी उड़ाएं आइसोलेटेड प्लेसेस में उड़ाएं, पब्लिक वाली प्लेसेस पे उड़ाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, काफ़ी जुर्माने हो चुके हैं और इलीगल है वैसे तो, एंड परमिशन प्रॉपर लें। और काफ़ी वेडिंग फोटोग्राफर्स पूछते हैं, तो देखो टू बी सेफ आपको परमिशन लेनी है बस, इस तरह की जो परमिशन है वो अभी चालू हुई नहीं क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा, ऐप भी नहीं आई जिससे आप परमिशन लेके NPNT वाली, ठीक है। तो काफ़ियों के पास DJI ड्रोन्स हैं और उसको सेल मत करें, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता पॉलिसी कैसे बदल जाती है। तो अभी आप कौड़ियों के मोल अपने ड्रोन्स को ना भेजें, बहुत अच्छे ड्रोन है DJI के, अपने पास संभाल करके उड़ाना है, आइसोलेटेड प्लेस से भी जाके उड़ाएं, पब्लिक प्लेस पे उड़ा रहे हैं तो परमिशन लेके उड़ाएं, टू बी सेफ परमिशन आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो फंस सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और जैसे मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा ड्रोन्स के ऊपर उसमें मैं Q&A करूँगा, और जो जो क्वेश्चन इस वीडियो के नीचे आएगा वही मैं लूँगा। और हम अब लाइव सेशंस भी करने वाले हैं रेगुलर, संडे को करें या कब करें आप प्लीज़ टाइम सजेस्ट करें, और फिर हम लाइव बातचीत भी करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है अब लाइव सेशंस पे 50-60 लोग तो आ ही जाएंगे।
एनीवेज थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन, कीप रॉकिंग।